हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलो स्कूल। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी 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 इतने दिनों के लेट के लिए। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया। आई वाज बिजी इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी इतने दिनों की मतलब छुट्टी लेने के लिए। अब से बिल्कुल नहीं होगा। सो जैसे कि चलिए शुरू करते बिना किसी बकवास के। सो गाइज, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इतने दिनों बाद मेरा वीडियो कौन सा है। सो गाइज, ये मेरा वीडियो है आपकी आई साइट को इंक्रीज करने के लिए, आपके आई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। बहुत ही सिंपल से मैं चार एक्सरसाइजेज आपको बताने वाली हूँ, जिसका जिनको करके आप अपने आईज को यू नो रिलैक्स कर सकते हो। अपनी आपकी आई साइट इंक्रीज हो सकती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी आईज नर्व्स में वो इंक्रीज हो सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, सो गाइज, जो पहला एक्सरसाइज है ये है पामिंग। आपको करना क्या है, आप कहीं भी कंफर्टेबली बैठ जाइए। सारी एक्सरसाइजेस बहुत ईजी, आप कहीं भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। आप कहीं पे बैठ जाइए आराम से, मतलब कि जहाँ आप कंफर्टेबल हो। डोंट मूव ज़्यादा। अपने हैंड्स को जो है रब कीजिए, तब तक रब कीजिए जब तक वो कम्प्लीटली यू नो गर्म ना हो जाए, वार्म ना हो जाए कम्प्लीटली। ओके, जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड जब भी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो क्या कीजिए, आप इसे अपनी आईज पे अपने पाम्स को जो है प्लेस कीजिए, और जब तक आपके हाथों की गर्मी ख़त्म ना जाए तब तक उसको अपने आँखों पे प्लेस करके रखिए। एंड जब आपके हाथों की गर्मी ख़त्म हो जाए देन आप इस प्रोसेस को 4-5 टाइम्स रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे हाथ जो अच्छे से गर्म हो गए। एंड लुक, आई विल शो यू। जब तक आपके हाथों की गर्मी जो है पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसको अपने आँखों पर ही प्लेस कीजिए। एंड उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आईज़ को क्लोज रखिए। इससे आपको क्या लगेगा कि आपकी आईज मसल्स जो है वो रिलैक्स हो रही है। आप फील कर सकते हैं कि आपकी आईज मसल्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो रही है। एंड आप इस प्रोसेस को गाइस 4-5 बार कर सकते हैं एक ही बार में करके। यू नो ये बहुत ही ईजी, आपको कुछ टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आपकी जो आईज मसल्स ये काफ़ी रिलैक्स होगी। अगर आप बहुत कम सोते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत थके आ रहे हैं, तो आप इसको कीजिए, आपकी आईज मसल जो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होंगी एंड यू नो डल नहीं लगेंगी। सो गाइस, जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है ब्लिंकिंग। यू नो गाइस, ब्लिंकिंग करने से क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली बहुत देर तक स्टेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को घूर कर देखते हैं तो आपकी आँखों में पानी आने लगता है, यू नो आपकी आईज को हर्ट होता है। तो ये इसीलिए है, आपको क्या करना है, आपको किसी आपको बस अपने आईज को लाइक 15 आपको किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने हैंड के ऊपर फोकस कर रही हूँ। आपको अपने हैंड को देखना है एंड आपको जो है ब्लिंक करते रहना है। ओके, आप 15-20 सेकंड्स तक इसको कीजिए, ब्लिंक कीजिए। एंड देन 5 सेकंड्स के लिए अपने आईज को क्लोज करके रिलैक्स कीजिए। देन अगेन आप वापस से ये ब्लिंकिंग वाला जो प्रोसेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या है, जो आपकी आईज मसल्स हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली देखते हैं तो आपके आईज में वाटर आता है। इस प्रोसेस से क्या होगा, आपको किसी चीज़ को देखने का स्टेयर करने का जो टाइम है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी आँखों में जो है वाटर काफ़ी कम आएगा। सो गाइज, जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी आँखों के लिए वो है शिफ्टिंग। ओके, यानी आपको क्या करना है, आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपकी आई साइट को चेंज करना है, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर देखना है। आई विल शो यू कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, दैट आपको इस तरह से करना है, आपको कम से कम 20 सेकेंड तक इसको करना है। देन इसको बाद में आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को 4-5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो आईज है इसको ऑल ओवर जो मसल्स है आपकी इसकी अच्छे से जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि जैसे कोई भी स्ट्रेचिंग टाइप हो जाएगी, आपकी आईज मसल्स की काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपकी आँखें। एंड जो भी आपको अगर पेन होता है, अगर आपको हेडेक होता है, आप अगर आपको यू नो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इससे भी आपको रिलीज मिलेगा। गाइस, आप सबको पता है अगर आपकी आँखों में दर्द होता है तो आपके सर में भी दर्द होने लगता है। सो ये जो सारी एक्सरसाइजेज आपके हेडेक्स को दूर करेगी, आपके सर दर्द से आपको रिलीफ देंगी। आपकी आईज रिलैक्स है तो आपका सर दर्द वगैरह
सब रिलैक्स हो जाएगा। सो गाइस जो लास्ट एंड फोर्थ एक्सरसाइज है मेरी वो है गाइस फोकसिंग। आप सबको पता है शायद आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं किसी आई स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने भी आपको इस एक्सरसाइज के बारे में बताया होगा। मैं भी गई हूँ एक बार, मुझे भी ये सजेशन मिला है फोकसिंग। आपको क्या करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेना है और उसके ऊपर जो है आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सिट हो गए कहीं पर बैठ जाइए, आप कहीं पे कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड देन कोई ऑब्जेक्ट आप अपने सामने रखिए, अपने हाथ में लीजिए एंड कंटिन्यू आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की ट्राई कीजिए। अपना सारा का सारा ध्यान, अपना सारा कंसंट्रेशन उस ऑब्जेक्ट पर रखिए एंड धीरे धीरे जो है उस ऑब्जेक्ट को अपने आइज़ के पास लाइए, अपने सेंटर, अपने दोनों आँखों के बीच के सेंटर पर और फोकस कीजिए उस चीज़ को, स्टेयर कीजिए 15 से 20 सेकेंड तक। सो आप इस तरह से कंटिन्यू फोकस कीजिए, आप 15 से 20 सेकेंड या उससे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा मत कीजिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। धीरे धीरे उसको अपने आइज़ के पास लाइए, यू नो डिस्टेंस से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपने आइज़ के पास लाइए, देन 20 सेकेंड के लिए अपने आइज़ को क्लोज कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए, देन वापस से इस प्रोसेस को कीजिए। इससे क्या है गाइज, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो बढ़ेगा, आपकी आइज़ की फोकसिंग पावर बढ़ेगी, जो अगर आपको दूर का दिखाई नहीं देता है तो ये प्रॉब्लम भी जो आपकी सॉल्व होगी एंड आपका जो हेडेक का प्रॉब्लम, अगर आपको माइग्रेन प्रॉब्लम है इससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। सो गाइस ये बहुत ही इजी 4 सिंपल एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास कैसा इफेक्ट रहा। गाइस ये एक्सरसाइजेस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत ही सिंपल, आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है इनको करने के लिए, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कंफर्टेबली बैठ जाए इन एक्सरसाइज को कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड आई एम सॉरी इतने दिनों के डिले के लिए एंड प्लीज़ गाइस शो मी योर लव, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर 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 कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की एंड लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए भी आपको कैसी लगी एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, अगर आपके यहाँ पर रात हो रही हो तो मेरी दुनिया की हो रही है। बाय, टेक केयर।